Namaskar. Welcome to Dallas Mirror. You are watching this Dallas Mirror on Desi Plaza TV. I'm your host, Karishma Himmat Singhani, ready with yet another episode of Dallas Mirror. Today we have a very special guest in our studio, and his name is Avi Dandia. Avi Dandia ji has been in diamond business for last 28 years, but that's not the reason why he's here with us. He is here because he is the champion of so many movements back in India, movements with the cause related to cleanliness, crime against women, communal harmony, and so on. He has earned around 150,000 followers on his Facebook page just in 6 months, and his hard-hitting videos have connected with the audience like fire. Thank you so much for joining us. Welcome to the studio, Avi ji. Thank you so much, Karishma ji. Thank you for having me. I have given your brief intro to the audience, but I would really like to know, when did you come to US and Bharat se aap jab US aaye, Bharat mein originally aap kahan se hain aur kis kaise aana hua aapka US and kitne saalon se yahan par hain aap? Yahan kaise aana hua, ye to ek kahani hai, default hai, ek default se yahan pe hain. मैं यहाँ पे 2000 में आ गया था और मैं आपने बताया कि डायमंड बिजनेस में मैं 28 इयर्स सो आई बीन लिविंग हेयर नाउ फॉर लास्ट यू नो 16 एंड हाफ 17 इयर्स और इंडिया से तो हरदम ही कनेक्टेड रहते हैं बेसिकली जयपुर से हम लोग मगर मेरी एजुकेशन सारी दिल्ली में हुई है कम्प्लीटली और सो आई एम हेयर इन यू नो इन लाइक डैलस हेयर फॉर लास्ट नाउ 16 एंड हाफ ईयर्स 17 ईयर्स Not in Dallas, New York. I was 10 years. Mm-hmm. 2009 we moved here. Okay, so जैसे कि आपके working profile से पता चलता है कि you are a champion with of so many movements. लेकिन वो सारे movements आपने भारत में किए हैं. जी. तो आप यहाँ हैं जरूर, लेकिन आत्मा अभी भी भारत में है. बिल्कुल बिल्कुल. ऐसा कह सकते हैं. बिल्कुल obviously वहीं रहेगी आत्मा. और यहाँ में ये it's not only me. ये आपके साथ भी यही है. जितने भी NRIs हैं अपने यहाँ यही है. आप लोगों का दिल तो वही है अपनी सब लोग यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान मतलब कि इसके लिए दुनिया में नंबर वन कंट्री बने जी तो अपने अपने हिसाब से सब लोग काम करते हैं उसी तरह हम काम करते हैं जी सो अभी आपने वो उस जवाब उस सवाल का जवाब मुझे दे दिया लेकिन फिर भी पूछूंगी कि ये प्रेरणा कहाँ से आती है आपको कि यहाँ रह के आप इतने सालों से यहाँ हैं लेकिन फिर भी आप भारत के लिए काम करते रह रहे हैं हिंदुस्तान का तिरंगा रोज देख लीजिए आपको प्रेरणा आ जाएगी जी आप तिरंगा देख लीजिए वो इससे बड़ा प्रेरणादायक चिन्ह कोई है नहीं जी आज की तारीख में दुनिया में हम लोगों के लिए तो उससे प्रेरणा मिल जाती है जी जब मैं आपके मूवमेंट्स के बारे में मैंने आपके वीडियोस देखे और पढ़ रही थी तो जितने भी मूवमेंट्स अभी तक आपने चलाए हैं क्लेनलीनेस के ऊपर है या फिर क्राइम अगेंस्ट वेमेन के ऊपर है तो वो बहुत रेलेवेंट इश्यूज़ हैं आज की तारीख में और हमने एक अपसर्च देखा है कि लोगों का इन इश्यूज़ की तरफ जो गुस्सा है या जो भी जो एक्टिविटी है वो बढ़ी है पिछले कुछ सालों में आप मुझे बताइए कि आप कब से इस पूरे मूवमेंट के साथ जुड़े हैं जी हम लोगों ने सबसे पहले टीम क्लीन जयपुर का हमने स्थापना करी थी 2012 दिसंबर में आपने आपको पता होगा NRI कॉन्क्लेव होते हैं हर साल वहाँ पे तो NRI कॉन्क्लेव में आप जो भी शहर में जाएंगे वो शहर बड़ा साफ हो जाता है NRI इसको दिखाने के लिए मगर विद इन अ स्पैन ऑफ 72 आवर्स और 100 आवर्स वहीं का वही कचरा वापस वही समस्या दिखने लग जाती है तो मुझे ऐसा लगता था कि जब तक इसको नेक्स्ट जनरेशन इस पर हेल्प नहीं करेगी तब तक एक क्लीन इंडिया हो नहीं सकता जी अगर मैं आज समझिए छोटे से बच्चे को पांचवी क्लास के बच्चे को बताता हूँ कि तुम इधर कचरा नहीं करो तो वो नहीं करते हैं वो सुनते हैं मैं किसी बड़े को जाके बताता हूँ तो मुझे उल्टा उनसे सुनना पड़ जाता है तो इसी तरह हमने वहाँ पे स्कूल को जोड़ना चालू किया इसके अंदर 40-45 हमने स्कूल जोड़ लिए थे हम लोग बहुत इवेंट्स करते थे सबसे बड़ा इवेंट जो आज तक हिस्ट्री में हुआ है वो शायद इसी में हुआ था 15,000 बच्चे हमने जयपुर में उतारे थे कब की बात है ये बात है 2014 की 2014 15 अगस्त के दिन अच्छा 15,000 चिल्ड्रेन ये क्लीन नहीं करते हैं बिकॉज क्लीनिंग अलाउड नहीं है बच्चे अंडर द एज ऑफ 18 यू नो मेडिकल वेस्ट होता है जी, सब होता है ये अवेयरनेस करते हैं ये आपके घर आएंगे बोले आंटी कचरा मतलब प्रॉब्लम ये है करिश्मा जी इट्स नॉट अबाउट द इंडिया लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जी वहाँ पे आप कहाँ कचरा फेंकेंगे कैसे कचरा फेंके पिकअप कैसे हो पुरानी मशीनें चल रही है आज तक अगर मैं अमेरिका से कंपेयर करता हूँ तो आई थिंक ये मशीन जो आज इंडिया में काम कर रहे हैं जो डंपसर लगे हैं ये तो 1940s 50s में भी अमेरिका में नहीं होंगे आई डोंट थिंक सो
तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों का जो फोकस है जी वो मेन इश्यूज पे नहीं है। लोगों का फोकस बहुत ज्यादा इसके अंदर पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गया है जी, इट इज नॉट सोशली मोटिवेटेड इंडिया। सो दैट्स व्हाई कोई भी सोशल काम जब तक आप एक एक अपने कलेक्टिव नहीं सोचेंगे, एक कॉमन एजेंडा लाके, चाहे आप कोई भी आइडियोलॉजी के हो, तब तक वो इंडिया में सॉल्व नहीं होगा। ट्रू। एक और बात मुझे मेरे जहन में आती है जब आप ये कह रहे थे कि एक माइंडसेट भी हमारा जो है उस तरह का नहीं है, हमने कभी किसी ने ये सोचा नहीं है कि गार्बेज कलेक्शन के लिए या गार्बेज डिस्पोजल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। यू नो दैट इज़ लाइक द लास्ट थिंग इन आवर माइंड कि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखा जाए तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज सारी चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं। अगर सफाई है और उसकी वजह से फिर हेल्थ भी अच्छी होगी, इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो लोगों की मेंटेलिटी भी वैसी होगी। आज अपन लोग अमेरिका से निकलते हैं सुबह घर में कॉफी का ग्लास लेते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं, एक अच्छे माहौल में निकलते हैं, तो अपना दिमाग भी वैसे ही चलता है। ट्रू। जबकि मैं आपको बताऊँ की इंडिया का गार्बेज इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है जो शायद ही कोई इंडस्ट्री कर सकती है। Exactly. मगर लोगों के पास वहाँ पे जो लीडर्स हैं चाहे वो कोई भी हो, उनके पास विजन नहीं है इसको क्रिएट करने का। इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट कैन क्रिएट इन जैसे रिसाइकलिंग जो प्लांट्स होते हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। गार्बेज अपने आप एक अनाउंसमेंट कर दीजिए कि मैं आज, जैसे आप कितने भी रद्दी वाले हैं उनका है कि 7 रुपए किलो पेपर खरीदते हैं या 2 रुपए की बोतल खरीदते हैं, आप उनको बीट कर दीजिए उनके गेम में। मतलब 2 रुपए की जगह 3 रुपए देंगे, तुम बोतलें उठा के हमारे पास लेके आओ जी। बच्चे हर जगह अपने घर में बोतलें बाहर फेंकेंगे नहीं, वो बचा के रखेंगे, वो कचरा मदर को फेंकने नहीं देंगे वेस्ट कचरा। अच्छा, आप उसे कॉम्पोस्ट बना सकते हैं जी। खाद जो बेस्ट क्वालिटी की बनती है वो अपने जो किचन गार्बेज है उससे बनती है जी। कई स्कूल ने उन्होंने कर रखा है। अच्छा। आज के जयपुर के अंदर एक जो गर्ल्स का स्कूल है MTD, वहाँ पे कंपोस्ट सिस्टम है जो वहाँ की प्रिंसिपल ने करा दिया। सो देर आर थिंग्स, बट द मेन थिंग इज करिश्मा जी दैट we are not collective on the social reform, we are collective on the political reform. Okay. That's where the gap is coming. So where does that team Jaipur jo cleanliness initiative jo aapka movement tha, where does that movement stand today after so many years? Wo abhi ab to ye to jo bhi Jaipur mein rehte hain log unko pooch lijiye aapki saaf safai, but the main thing is the municipal corporation Jaipur Nagar Nigam is one of the most corrupt organizations in India, like BMC, like NDMC. So, जब तक आप grassroots level पे experts को नहीं बिठाएंगे, see, the problem is, if somebody is elected, it doesn't mean that he is the most intelligent person. Right. No, there are people specialized for this. तो ये जो jobs होते हैं, उसमें specialized people को लगाना चाहिए, instead of electing. We have kept on electing the municipal corporators through what elections. What difference does it make? Yes. Nothing. Nothing. The thing is going down and down. इसके अंदर मोदी जी ने जो क्लीन इंडिया मूवमेंट चालू किया था, इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक मूवमेंट इंडिया विल सी, बट इफ इंडिया डज नॉट वर्क अलोंग विद व्हाट मोदी जी इज सेइंग, आई डोंट थिंक सो, मोदी जी इज गोइंग टू कम बैक अगेन, टेक अ ब्रूम एंड ही इज गोइंग टू क्लीन योर स्ट्रीट। नो, ही इज नॉट। वी सॉ दैट व्हेन ही हैड दैट, जब शपथ ग्रहण समारोह रखा था उन्होंने, स्वच्छता अभियान जब शुरुआत की थी, तो जो लोग शपथ लेके जब निकले उसके बाद मीडिया ने फोकस किया कि वो बॉटल्स और पेपर्स जो हैं वो वहीं ग्राउंड पे पड़े हुए थे, तो ये हमको दिखाई देता है। ये बिल्कुल गलत चीज है, और इसलिए इंडिया में क्या है कि एवरीथिंग इज इंडिया की, मैं बार बार यही कहूँगा, इंडिया की जो सोच है ना वो बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गई है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इंडिया में आने वाले, आप सलमान खान को, प्रियंका चोपड़ा को, इनको झाड़ू लगवा के, ये सब सिम्बॉलिक जेस्चर है। जब तक हम खुद, एक तो इंडिया में क्या है, खुद काम करने में लोग बहुत हिचकिचाते हैं, शर्म आती है। आज आप और हम अमेरिका में, यहाँ पे तो कहना नहीं चाहिए, डॉग की शिट भी अपने को उठानी पड़ती है, देयर इज अ लॉ हियर, राइट, करेक्ट, एंड पीपल फॉलो इट, कोई कैमरे नहीं लगे हैं बट पीपल फॉलो इट। छोटे छोटे बच्चों को मैंने यहाँ देखा है कि कोई कचरा नहीं करता, अपनी पॉकेट में रख लेंगे, रैपर होता है च्युइंगम का वो रख लेंगे। मैंने खिड़की से, आज तक मैं आपको गारंटी करता हूँ, पिछले 17 साल में मैंने अमेरिका में खिड़की से फेंकते हुए किसी को आज तक सामान नहीं देखा है। और इंडिया में क्या करते हैं, दरवाजा खोला पीक देंगे, कुछ भी और कुछ भी बोलो तो वो आपको उल्टा जवाब दे देंगे, भाई तुम्हारा क्या लेना देना है। आपस में एक दूसरे की पुलिसिंग करना जरूरी है इंडिया में, आप मेरी पुलिसिंग करें, मैं आपकी करें, और ईगो घर पे छोड़ के आए, तो इंडिया में कुछ ना कुछ सुधार आपको दिखेगा। सो दिस इज द वन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एज यू सेड, और दूसरा आपने बताया कि किस तरह से आपने स्कूल के बच्चों को इस मूवमेंट से जोड़ा, क्योंकि अभी से ट्रेन करेंगे तब जाके हमें ये उम्मीद है कि नेक्स्ट जनरेशन जो है या आगे होके, आगे जाके का सपना पूरा होगा। तो उसके अलावा आपको क्या लगता है कि और क्या सोल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का, आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? तीनों सोल्यूशन आपको बता दिए मैंने। सबसे पहला है ट्रेनिंग,
Second is you have to build up an infrastructure. Mm-hmm. Third is start policing each other. Mm-hmm. There'll be no kachra. Mm-hmm. Tell me one thing, main aapko bada, I'm not a political guy, so mera koi statement aisa lage, I'm sorry about it. How come we see all the men on the streets peeing and how come we don't see the women? If women can hold, why can't men hold? True. What is the problem here? True. The problem is the mindset. Problem is taking everything for granted in India. For granted. Ye toh hamara hai, hum kuch bhi kare. It's sad but true. It is not yours, it is everybody's. You need to understand this. Yes. So, you know. So you feel that the public is most responsible for all this? Oh yeah, 90% public. You just can't blame it on the administration all the time. No, you can't. 10% 20% एडमिनिस्ट्रेशन 80% अब आपके सामने अगर डस्टबिन है मैंने दे दिया फिर भी आप अगर बाहर फेंक देंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती क्या होगी नहीं सही बात वो तो आपकी गलती हुई मैंने कचरे को उड़ाते हुए लोगों को बास्केटबॉल खेलते देखा यूं दूर से केले का छिलका फेंकते हैं तो हमने तो खुद करा है साफ हमारे ऊपर कचरा फेंका गया था अच्छा हमने सब किया है काम सुबह 4-4 बजे जाके हम लोगों ने जयपुरी कॉलोनी में साफ करी एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड एवरीथिंग इज देयर टू बी सीन मगर देन आई डिसाइडेड दैट ये अपने बड़े लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे इसमें सो ये तो आपने एक कहानी बताई बट आई वुड लाइक टू नो ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपके दिमाग में आता है विच वॉज लाइक प्रोफाउंड यू नो आपकी मेमोरी से जा नहीं सकता रिगार्डिंग दिस मूवमेंट ऐसा कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कचरा हम फेंक रहे थे एक बार हम लोग जयपुर में वैशाली में थे सुबह 4:30-5 बजे की बात थी अंधेरा होता है गाड़ियों की लाइटों से हम लोग कचरा देखते थे तो वहाँ पे हमारे को एक बोरा मिला बोरे के अंदर से हम जब देखे उसको हमने उठाया तो उसमें से लाल चीज निकली कोई ब्लड टाइप चीज अच्छा तो हम घबरा गए उस टाइम वो कन्या भ्रूण हत्या का बहुत होता था हमने सोचा कि इन्होंने किसी ने कि अपनी बच्ची की लाश है तो हमने पुलिस वालों को बुलाया उसके पीछे एक अपने गार्डन होता था जहाँ पे शादियाँ होती हैं अच्छा तो पुलिस वालों ने आके बताया हमसे हटे तो वो एक्चुअली में टमाटर थे वो जो गार्डन वालों ने जो शादी खत्म करने के बाद कचरा फेंका हम आगे जब गए तो एक लेडी बालकनी में खड़े होके हमारे मुंह पे उसने जो थैली होती कचरे की फेंकी थी बोले तुम लोग यहाँ से उठाते जाओ और मैं फेंकती जाऊंगी तो ये एटीट्यूड है वहाँ पे लोगों का ओह माय गॉड सो दैट वाज सैड या हमारे मेरे मुंह पे आके गिरी वो थैली एंड आई सेड कि आप ठीक है आप फेंकते जाइए हम उठाते जाएंगे देखते हैं आप थकते हैं हम थकते हैं जी तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई मैसेज उनको डायरेक्ट देना चाहेंगे नहीं नहीं मैसेज कोई नहीं आई होप शी हैज इंप्रूव्ड शी हैज अंडरस्टैंड बिकॉज द काइंड आज की तारीख में बताया मुझे कौन सा ऐसा इन्फेक्शन है जो इंडिया में नहीं और अफ्रीका में एवरी थर्ड चाइल्ड इन दिल्ली एनसीआर रीजन इज एस्थमेटिक अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट हु इज रिस्पॉन्सिबल आज अपने पास भी यहाँ भी यहाँ पे अपन लोग वी कैन अफोर्ड कार्स वेरी इजीली दे आर 1/4 द प्राइसेस ऑफ कार्स इन इंडिया आज BMW है 750 वी कैन गेट इट फॉर $80,000 वहाँ 1.5 crore की Do we buy cars left, right, and center? No, but they we do. We do pooling. Yes. We do adjustments. They don't do because everything is according to status symbol in India. Yes. It's all about status and falsehood. एक अजीब ही एक अपनी दुनिया में वो लोग जी रहे हैं जिनको परवाह नहीं है उनको ये समझ में नहीं आता कि घर के बाहर बच्चे अनफिट हो गए करिश्मा जी आज की तारीख में 25 साल पहले हम दिन भर क्रिकेट खेल लेते थकते नहीं थे आज बच्चे को बोलो 2 घंटा क्रिकेट खेल के तो सांस फूल जाती है क्या पेरेंट्स को दिख नहीं रही है बात ये सही बात बट दे आर लिविंग इन फूड स्पैडर्स फॉर देम इट्स अ न्यू मनी द न्यू दे विल अंडरस्टैंड बट द टीचिंग विल बी वेरी वेरी हार्ड हिटिंग फॉर देम वेरी हार्ड Yes. You know, so. So it's a great. And another thing I'll tell you. According to the WHO report, the Indian men ki growth bhi retarded ho gayi hai. In 1960s ki report ke hisab se, Indian men used to they used to have a height average is 5'8". Today is 5'6.5". It's gone down. Because of adulterated food, water and air. It's simple thing. Air to emery ban jati hai. Aapko andar aap kar rahe ho. You're inhaling that. Yeah. Aapko kaat raha hai aapko andar se. So you know, but they will learn. Well, as long as there are champions like you who are trying to create this continuous awareness in the public, that's there. We have some little hope. But this was the one movement that you started with, and then another, which is a very relevant issue in India, and that is the crime against women. Yeah. We saw the uprising with the Nirbhaya case, and after that, every year we see that, and you know, we are continuously seeing a lot of other movements. एक सबसे पहले तो rapes का है. जी. मूवमेंट तो नहीं है ये एक तरह से प्रॉब्लम क्या है करिश्मा जी इंडिया के अंदर इंडिया को पता नहीं लग रहा कि पॉलिटिकल इश्यूज क्या है और सोशल इश्यूज क्या है जी जी इंडिया की पॉलिटिक्स जो है वो सोशल इश्यूज को इस्तेमाल करती है जी इलेक्शंस में मगर सॉल्व नहीं करती है जी और वो करेगी भी नहीं हाँ
फिर इश्यूज़ खत्म हो जाएंगे इंडिया की जो पब्लिक है उनको रोजाना नए तमाशे चाहिए, वो भूल जाते हैं पहले की बातें, फिर आगे आ जाते हैं नए, एंड बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो रहे हैं इंडिया की पब्लिक इन द सेंस एक दूसरे के रिलीजन्स पे, विच इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द पूरा जो सोसाइटी जी, तो रेप्स का जो इशू है जब निर्भया का हुआ था, कोई भी मूवमेंट की क्या है कि शेल्फ लाइफ नहीं होती इंडिया में, और लोग बाग अपने नाम के लिए वहाँ ज्यादा काम करते हैं ना कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ये फैक्ट है इंडिया में। You just hit the nail. और यही हुआ था निर्भया का, उसके बाद भी बहुत रेप्स और भी ज्यादा इसके अंदर गंदे होते चले गए, लीथल होते चले गए, मगर फिर बाद में वो मूवमेंट हुआ नहीं, वो होना भी नहीं है, क्योंकि मेरे को याद है अपने इसके अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी ममता शर्मा बूंदी की, मैंने उनको कहा था एक बारी कि जो एक आदमी था जो अरेस्टेड था जेल में था इसके अंदर जिसने ज्योति का करा था रेप, कि मुझे एक बारी मिलने दीजिए उससे अकेले में, मुझे मिलने दीजिए, क्योंकि इसके दिमाग में एक डेविल है, आप लोग डेविल को नहीं पकड़ रहे, आप लोग डेविल के आसपास घूम रहे हो, तो रेप इशू कभी सॉल्व नहीं होंगे। एंड फिर इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है, कई चीज़ें हैं, वी हाइड टू मैनी थिंग्स फ्रॉम से 7 to 8 ग्रेडर जो यहाँ पे सिखाते हैं। अब आप अमेरिका में हाईएस्ट रेप्स होते हैं दुनिया में जी, क्योंकि रिकॉर्डेड है, अभी अगर इंडिया में अगर रिकॉर्ड होने लग जाए ना सारे रेप्स, इसके अंदर मैरिटल रेप्स भी आते हैं, रेप्स आते हैं नॉर्मल, तो उसके बाद इंडिया में सारे डब्ल्यू ये जितने भी है ऑर्गेनाइजेशन है सारे अंदर आ जाएंगे ह्यूमन राइट्स वाले, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं होती वहाँ पे। पहले तो आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा फाइन ट्यून्ड हैं वो उनका दिमाग, और वो इस तरह से सोचते हैं कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन अंदर आ जाए, पहले तो दे नेवर गेव टू मच यू नो इम्पोर्टेंस टू इट, कि एक औरत है जो इस ट्रामा से गुजरी है और वो आके रिपोर्ट कर रही है, पहले तो वो माइंडसेट भी नहीं था, पहले तो उसका दूसरा एस्पेक्ट जो था उसको ज़्यादा सोचते थे कि अरे ये लड़की बाहर आके कैसे बात कर रही है, कि उसको शर्म नहीं आ रही है, या पहले दिमाग में ये आता है कि उसको इस बारे में बोलना ही नहीं है, यू नो सोशल स्टिग्मा हो जाता। मैं अभी आपको एक अपनी दिल्ली के ट्रिप की एक बात बताता हूँ, मैंने नोट करा दिल्ली की टैक्सीज में क्या लिखा हुआ है, हम अपने इसके वुमन को रिस्पेक्ट करते हैं इन हिंदी, मोस्ट ऑफ द टैक्सीज, व्हाई डू यू हैव टू राइट दैट, सही बात है, व्हाई कांट यू टीच व्हेन ही वाज 10 इयर्स ओल्ड, व्हाई डिडंट यू डू दैट। अब कोई अंग्रेज जाता है वहां पे, ही सीज दिस इन बिहाइंड द टैक्सीज, वो अकेली अगर कोई फॉरेनर हो वो अनइजी हो जाएगी, बोले व्हाई आर दीस पीपल राइटिंग ऑल दिस, इज समथिंग रॉन्ग इन दिस नेशन, दैट्स इट, यू नीड टू डू टीचिंग बिहाइंड द डोर्स, डोंट एक्सपोज अननेसेसरली व्हाट इज, इसको एक्सपोज करने की जरूरत ही नहीं है कोई चीज, नहीं बट आई थिंक अभिजी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जनरेशन है जो अभी जो ऑलरेडी बड़ी हो गई है, दे हैव गॉन थ्रू दैट सेम यू नो बैकवर्ड एजुकेशन सिस्टम, एंड इट्स टू लेट फॉर देम। हाँ, अभी जो अगली जो उम्मीद है हमें उन छोटे बच्चों से है जिनको कि हम अभी से सिखाएंगे, लेकिन जो पहले से ही जनरेशन आ गई है यू नो करप्ट जनरेशन, उसके लिए आई थिंक कोई अगर थोड़ा भी ट्राई करता है तो मैं उसको ये ट्राई करना बात ठीक है, बट हर जगह हेल्पलाइन नंबर देना 1091, मैं पूछना चाहता हूँ 1091 ने आज तक कितने केसेस सॉल्व किए। सही बात है, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो फायदा नहीं है ये सब क्रिएट करके। आप बात कर रहे हैं, कंप्यूटर नहीं चलते वहाँ पे, इंटरनेट नहीं चलता है वहाँ, बम्बई जैसी जगह में डाउनलोड नहीं होती फाइल्स, तो ये सब कहने की बातें, यू नीड टू अटेंड टू द बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स फर्स्ट, देन जंप टू द नेक्स्ट लेवल, यू जस्ट कांट डू इट बाय से जस्ट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ऑल ओवर इंडिया, हाई स्पीड इंटरनेट विल बी डन फिनिश। हाउ इंटरनेट यहाँ कैसे आता है, केबल्स? नो, इट गोज थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। आपने एक सर्विस प्रोवाइडर का इधर से जैक निकाला, दूसरा डाला, आपको दूसरा चालू, वहां पे नहीं है ये सिस्टम, तो वह पुरानी टेक्नोलॉजी, आई थिंक सो अमेरिका इज डंपिंग द ओल्ड टेक्नोलॉजी व्हाट दे ऑलरेडी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी टू द थर्ड वर्ल्ड नेशन, इंडिया इज द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट फॉर इट। एक क्रेडिट कार्ड मशीन, इतने बड़े बड़े ब्रिक्स, करिश्मा जी वो 2003 में हम लोग शोज करते हैं ज्वेलरी के, हमने खत्म कर दिए थे, आज की तारीख में स्क्वायर चलता है इतना सा, जो मैंने एक अपने वीडियो में बोला, वन स्क्वायर वन ऐप आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। Why are you introducing these bricks there? Because they are coming from America. The dumps. ऐसे ही पता है आपको बैटरीज का हुआ था, when एक बैटरी जब खत्म हो गई थी, वो बैटरीज एक्सपोर्ट करी गई थी, उसके अंदर से मर्कुरी निकला था, और वो मर्कुरी का बहुत बड़ा स्कैम है इंडिया में, जो किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, वो 80s में हुआ था स्कैम बहुत बड़ा, मर्कुरीज बेची थी निकाल के। There are many things. So yeah, this is a pretty big issue we can talk about. But also the other very 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 interesting movement that you started is कि मोहब्बत के दंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। See, जब तक कम्युनल हार्मनी नहीं होगी, जब तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती है, चाहे आप कितने प्रोग्राम ले आए, चाहे आप कितना ही सोशल मीडिया पे लिख दें, कुछ भी नहीं होगा। एंड देन ऐसे कई कौमी एकता मंच बने, मोहब्बत के दंगे, राइट्स ऑफ लव इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनल हार्मनी इनिशिएटिव राइट नाउ इन इंडिया।
I've been contacted by many other countries, but we are not ready. हम लोगों की जो टीम है वो आप बिलीव नहीं करेंगे पूरे दुनिया में है जी. कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई कतर में बैठे हैं हमारे और बेस इसको कोई लीड नहीं करता, ये कोई एनजीओ नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कोई एनजीओ नहीं है, आई डोंट बिलीव इन एनजीओ. ये सब आइडियाज हैं. टीम क्लीन जयपुर इज एन आइडिया. स्क्रीम्स ऑफ सोल रेप का जो इनिशिएटिव था दैट्स एन आइडिया. कम्युनल हारमोनी पे मोहब्बत के अंदर गए राइट्स ऑफ लव इज एन आइडिया. इसके अंदर अंसार बर्नी जो पाकिस्तान के बहुत बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट परवेज मुशर्रफ के साथ है, इसके अंदर इसके आचार्य इसके अंदर एक आचार्य जी हैं वो भी हमारे साथ हैं जो कि वेरी सिक्योर पर्सन. एंड आज की तारीख में हमारे साथ विद इन अ स्पैन ऑफ से 8 months और 9 months देयर मोर देन 500,000 पीपल अटैच्ड टू दिस मूवमेंट एंड पीपल एवरीबॉडी लव्स पीस बट द प्रॉब्लम इज नोबडी सेज that they love peace. Ye ek aisa platform hai for everybody to come in. Yeah. So how did you connect so many people with through social media only? Ki koi aur bhi zariya tha? Aap sirf public se sach bolte jaye. Shuru mein unko chubega. Aur baad mein unko wo sunne ke jab aadi ho jayenge jab unko samajh mein aa jayega. Koi bhi cheez pehle samajh nahi aati pehle chubti hai. Gulab bhi aap chhune jaoge to pehle kaanta chubega fir aapko pata lagega yaar isme to gulab laga hua hai. Isi tarah ye hai. Ye kai logon ko chub rahi hai. जो लोग बहुत ही उनकी जो सोच है बहुत ही ज़्यादा यू नो प्रिमिटिव है, जो अवेयर नहीं है किस तरह दुनिया चलती है, उन लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो लोग अपनी जो उनकी सोच के साथ दूसरों को भी लपेटने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया को 20-25 साल पीछे ही ले जाएंगे. सोशली अगर इंडिया 20-25 साल पीछे चलेगी तो फाइनेंशियली इंडिया 50 साल पीछे चला जाएगा. सो ट्रू, सो ट्रू. सो ये तो बात हुई आपकी भारत में जो एक्टिविटीज़ आप करते हैं, लेकिन क्योंकि अब आप डैलस में भी हैं तो ये भी आपका देश है, तो इसकी तरफ भी आपको थोड़ा यू मस्ट बी फीलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टू. सो यहाँ पर भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं आपकी, कुछ कर रहे हैं आप? एक्टिविटी नहीं है मगर यहाँ पे एक इंडियन एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सास है मैंने जिनके बारे में सुना है जी. वो जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है और कहती है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बन गया है. एंड इट वॉज ए ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू अभी डानिया जी. आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और देसी प्लाजा टीवी से बात की. थैंक यू टू यू करिश्मा जी, थैंक यू टू एवरीबॉडी.